चमोली में आजादी के अमृत महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन नागरिक दिवस पर बुजुर्गों और दिव्यांगों को स्वास्थ्य विभाग ने 100 से अधिक उपकरण वितरित किए। इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने किया। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष ने बुजुर्गों और दिव्यांगों की देखभाल करने का आह्वान किया। कहा कि सबसे बड़ी सेवा बुजुर्गों और दिव्यांगों की सेवा है। वहीं इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीपी सिंह ने कहा जिला चिकित्सालय से जिले के सभी अस्पतालों में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिव्यांगों और बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क व्हील चेयर, वॉकर, स्टिक आदि उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर मैं सभी वृद्धजनों को शुभकामनाएं देती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर यहाँ पर हमारे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से वृद्धजनों को जो जैसे लाठी है और एक्सरसाइज मशीन है और वॉकर है वो वितरित किए गए। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और ये वृद्धजन पखवाड़ा हमारा 1 तारीख से और 15 तारीख से चलेगा। देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में हमने ये वृद्ध नागरिक देखभाल कार्यक्रम मनाया। हमारे सचिव जो है नगर पालिका अध्यक्ष महोदय आई थी और इस अवसर पर हमने जो है कम से कम 20 से 25 वृद्ध नागरिकों को जो है आपके कुछ लोग व्हील चेयर, कुछ लोग स्टिक्स और एक दो लोगों को जो है आपके शोल्डर पुली होती है वो भी आवंटित